प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क री प्रधानमंत्री मेटा फ्रेडरिक्सन रे बीचे भी हताई दोनों देश स्वास्थ्य कृषि खेतर माए सहयोग खातर व्यास सहमत। वल्लभनगर अर्धरियावाद विधानसभा सीटा पर होबा आला उपचुनाव खातर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज। भाजपा और कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी खातर कर रही है प्रचार। अड़सठ साल पचे एयर इंडिया फेर वही टाटा समूह री। टाटा समूह 18,000 करोड़ रुपया माए जीती बोली। 15,300 करोड़ रुपया रो चुकाणो हुए लो कर्ज। देश और प्रदेश माए कोविड टीकाकरण अभियान जारी। देश माए अबार ताई लगाया गया लगभग 94 करोड़ सुबत्ता कोविड रोधी टीका। प्रदेश माए भी चलाया जा रहे है खास कोविड टीकाकरण अभियान। और प्रशासन गांवा रे संघ अभियान ने सफल बनावा खातर आयोजित की बैठक। ऋणतारी समस्या बारा तुरंत समाधान खातर दीना निर्देश। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है सा। मैं हूं आप प्रसाद अनुजा और चालो खबरा जोवा विकतवार। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने 3 दिवसीय भारत दौरा पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री रे बीच हैदराबाद हाउस माए बैठक हुई। बैठक रे पछे जारी संयुक्त बयान माए दोनों नेता हताई ने सार्थक बतायो। वह कहा कि दोनों देश स्वास्थ्य कृषि खेतर माए सहयोग खातर सहमत भी है। इनसे पहले आज डेनमार्क के प्रधानमंत्री रो राष्ट्रपति भवन माए औपचारिक स्वागत करयो गयो। Number 2 is an agreement on traditional knowledge digital library access between the Council of Scientific and Industrial Research India and Patent and Trademark Office Denmark. This will be exchanged from the Danish side by His Excellency Freddie Swain, Ambassador of Denmark, and on the Indian side by Dr. Vishwajanani J. Satyagiri, Head Council of Scientific and Industrial Research, Traditional Knowledge Digital Library Unit, New Delhi. Number 3 is a MOU between the Indian Institute of Science Bangalore and Danfoss Industries Private Limited to establish a center of excellence towards natural refrigerants for tropical climates with potential applications. This will be exchanged on the Danish side by Mr. Ravichandran Purushottaman, President Danfoss India, and on the Indian side by Professor Govindan Rangarajan, Director, Indian Institute of Science Bangalore. उदयपुर री वल्लभ नगर और प्रतापगढ़ री धरियावद विधानसभा सीट पर होबाड़ा उपचुनाव ने ले राजनीतिक सरगर्मियां तेज बैकी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दल आप आपरा उम्मीदवार रा पक्ष में प्रचार कर रहा है। नामांकन रा आखिरी दिन कुल 29 उम्मीदवार ने 43 नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता बताया कि वल्लभ नगर माए 16 उम्मीदवार ने 25 और धरियावद माए 13 उम्मीदवार 18 नामांकन पत्र दाखिल कराया। वणा बताया कि 11 अक्टूबर ने नामांकन पत्र की जांच करी जावेली और 13 अक्टूबर ताई नाम वापस लिया जा सकेला। मुख्य निर्वाचन एहलकार चुनाव प्रचार रे दौरान राजनीतिक दला और वणा रा समर्थका सु कोरोना गाइडलाइन री पालना री अपील करया है। दूजी कहानी विधानसभा चुनाव पर निगरानी खातर भारत निर्वाचन आयोग ने 6 पर्यवेक्षका री ड्यूटी लगाई है। 68 साल बरस एयर इंडिया टाटा समूह री वैगी है। टाटा समूह ने 18,000 करोड़ रुपया माए बोली जीती। टाटा समूह ने 15,300 करोड़ रुपया रो कर चुकाणो वेलो। दिसंबर 2021 ताए एयर इंडिया माए विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो जावेली। टाटा संस समूह ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है। टाटा संस ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। सरकार के मुताबिक दिसंबर 2021 तक एयर इंडिया में विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सरकार ने 2009 से अब तक 1.1 लाख करोड़ से ज्यादा एयर इंडिया में निवेश किया है।
मार्च 2021 तक एयर इंडिया पर 46,239 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अगस्त 2021 तक बढ़कर 61,562 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें से 44,679 करोड़ रुपए का कर्ज स्पेशल पर्पस व्हीकल एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग को सौंप दिया जाएगा, यानी एयर इंडिया पर स्वामित्व के बाद टाटा समूह को 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना होगा। टाटा समूह ने अक्टूबर 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, बाद में इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया था। सरकार ने 1953 में एयरलाइन का राष्ट्रीयकरण किया। फैसले के बाद टाटा सन्स के समूह के प्रमुख रतन टाटा ने वेलकम बैक एयर इंडिया कहकर फैसले का स्वागत किया। रतन टाटा ने एक बयान में कहा कि एयर इंडिया के लिए टाटा समूह का बोली जीतना एक अच्छी खबर है, बेशक एयर इंडिया के पुनर्निर्माण के लिए काफी प्रयास करने होंगे। उम्मीद है कि यह विमानन उद्योग में टाटा समूह को एक मजबूत, बहुत मजबूत बाजार अवसर प्रदान करेगा। भावनात्मक तौर पर देखें तो जेआरडी टाटा के नेतृत्व में एयर इंडिया ने एक समय में दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइनों में से एक होने की प्रतिष्ठा हासिल की थी। अब टाटा के पास उस छवि और प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने का अवसर होगा। जेआरडी टाटा आज हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते। टाटा समूह ने चुनिंदा उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की नीति के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। करीब 68 सालों बाद कंपनी एक बार फिर टाटा समूह के कब्जे में आ गई है। रविवारी एक जरूरी संदेश दी। मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री बना और मेरा जो पहला बड़ा कार्यक्रम था वो भी गरीब कल्याण मेला था, और अब मुझे खुशी है कि 20 साल का आखिरी दिन भी मैं आज गरीबों के लिए कार्यक्रम में जुड़ा हुआ हूं। ये शायद ईश्वरीय संकेत है कि मुझे लगातार मेरे देश के गरीबों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। और संदेश रे पछे एक बार फिर सु आपनो स्वागत। सरकार रा कई मंत्रालय अर महकमा माय संयुक्त सचिव निदेशक अर उप सचिव रा रूप माय अनुबंध अर प्रतिनियुक्ति रा आधार पर आ कुल 31 उम्मीदवार सिफारिश करेगी है। इन सु 3 रो चयन संयुक्त सचिव अर 19 रो निदेशक पद खातर कराया गया है। केंद्र सरकार में उच्च पदों पर सीधी यानी लेटरल भर्ती के तहत विभिन्न मंत्रालयों विभागों में संविदा या प्रतिनियुक्ति के आधार पर संयुक्त सचिव निदेशक उप सचिव के पदों के लिए 31 अभ्यर्थियों के नामों की अनुशंसा की है। उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्रों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग ने 231 उम्मीदवारों का साक्षात्कार के लिए चयन किया। 27 सितंबर से 8 अक्टूबर 2021 तक साक्षात्कार का आयोजन किया गया और 31 उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया गया। यूपीएससी ने 6 फरवरी 2021 को ऑनलाइन भर्ती आवेदन द्वारा संयुक्त सचिव निदेशक स्तर की भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की। इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च 2021 थी। इसके साथ ही उप सचिव पदों के लिए 20 मार्च को भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई और आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 मई थी। संयुक्त सचिव के लिए 295, निदेशक स्तर के पदों के लिए 1,247 और उप सचिव स्तर के पदों के लिए 489 आवेदन मिले। टाबरा रे खिलाफ हिंसा परा बाल संरक्षण प्रणाली री प्रतिक्रिया विषय माथे एक दिन री संगोष्ठी रो आयोजन आज जयपुर माए करयो गयो। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और यूनिसेफ रा संयुक्त तत्वाधान माए आयोजित कार्यक्रम माए सुप्रीम कोर्ट रा जज जस्टिस यू ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी, राजस्थान हाईकोर्ट रा चीफ जस्टिस इंद्रजीत महंती सैती, कई न्यायाधीश और अधिवक्ता मौजूद हुआ। संगोष्ठी माए टाबरा रे खिलाफ होबा आली हिंसा ने रोकबा और इन खातर समाज माए जागरूकता लाबा परा विचार विमर्श करयो क्यों। हर एक कोने कोने में कोई भी गांव, कुछा, गली, कस्बा जो भी है उसमें कम से कम 3 बार लीगल एड की तरफ से कोई ना कोई उधर अपनी छाप छोड़ दें, कम से कम अपना प्रेजेंस तो उधर लोगों को महसूस हो और एक फुटप्रिंट छोड़ दें। सिर्फ काम ये नहीं है कि फुटप्रिंट छोड़ना, उसके पीछे एक उद्देश्य ये है कि सारे लोगों को
विधिक सेवाओं के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो, लोग अवगत हो, लोगों को ये मालूम हो कि उनके राइट्स क्या हैं, और ये भी उनका हक है कि मुफ्त में कानूनी विधिक सेवा पाना हर नागरिक का हक है। तो इस हक के बारे में उन्हें अवगत कराना, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देना, यही हमारा उद्देश्य है। आई स्टिल थिंक एंड आई स्ट्रॉन्गली फील इन दैट व्यू दैट द रोल ऑफ द राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज टू बी एक्सपेंडेड इन अ वेरी वेरी कॉन्क्रीट मैनर टू स्प्रेड अवेयरनेस। And in this sphere, today I would like to ask the officers of the chairperson of the Legal Service Authority as well as the officers manning the Legal Service Authority in Rajasthan to kindly consider setting up of legal literacy clubs in every school of Rajasthan. We have done it in Odisha, and the idea of these legal literacy clubs is essentially to enhance the awareness amongst children and their family members about what the law is and where they can approach for any assistance. देश में कोरोना टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब ताई लगभग 94 करोड़ सुबत्ती कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। अब ताई 67,74,99,000 सुबत्ती लोगों ने पहलो टीको जबकि 26,18,00,000 लोग दोनों टीका लगवा चुका है। प्रदेश में 3 दिवसीय विशेष कोविड टीकाकरण अभियान रो आज दूजो दिन है। अभियान रा पहला दिन काले 4,50,000 सुबत्ता लोगों ने टीको लगाया गया। स्वास्थ्य महकमा माए टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह बताया कि अभियान के तहत 50,00,000 सुबत्ता कोविड रोधी टीका लगाबारो लगस निर्धारित करो गयो है। जोधपुर रा सहायक प्रशिक्षण केंद्र सीमा सुरक्षा बल रिकाणी सु अश्विनी स्टेडियम माए 3 दिन रो 5वीं अंतर सीमांत योग प्रतियोगिता रो आयोजन करो गयो। प्रतियोगिता माए गुजरात प्रथम और पंजाब सीमांत मुख्यालय द्वितीय स्थान प्राप्त कीनो। कार्यक्रम भी मुख्य अतिथि नगर निगम उत्तर जोधपुर री महापौर कुंती देवड़ा री इन मौका माते BSF रा IG मदन सिंह राठौर सहती एलकारगण मौजूद व्या। आप जानते भी हैं कि BSF के लिए योग का बहुत बड़ा महत्व है। BSF क्योंकि फ्रंटियर्स पे डिप्लॉयड है जो कि देश का सबसे दूरस्थ हिस्सा है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं है और कोई सुविधाएं तुलनात्मक रूप से कम होती है, तो जवान एक तो आइसोलेशन फील करता है, फिर ड्यूटी का शेड्यूल इतना सख्त है BSF में कि उसको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, हालांकि हम पूरा पूरा प्रयास करते हैं देने के, लेकिन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने का मौका उसको कई दफ़े नहीं मिल पाता है, तो उसकी खाना पूर्ति या उसको भरपाई जो है योगा से ही की जा सकती है। प्रशासन गांव वाले संघ अभियान ने सफल बनावा खातर दौसारा लाल सूट माए बैठक आयोजित करी की। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा बैठक ने संबोधित करता व्या कया कि जनता री परेशानियां रो बेगी ही समाधान करे जावेलो। वे कया कि यदि कोई भी एहलकार या कर्मचारी प्रशासन गांववारा संघ अभियान रे तहत आबा आली समस्यावा ने गंभीरता सुनी लेता पाया गया तो उन खातर सख्त कार्रवाई करी जावेली। इस अभियान को सफल बनाने के लिए विभागीय सभी अधिकारियों को कहा गया कि वो पूरी तैयारी से जाएं। दूसरा ये कि बजट घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जो बजट घोषणाएं थी लाल सूट की, चाहे हॉस्पिटल का हो, चाहे पवलर माता रोड का हो, चाहे CAC PAC का हो, दूसरा भी जो भी सड़कों का हो, पेयजल का हो, जल जीवन मिशन वाला हो, उन सब की समीक्षा की गई है कि जो भी काम सैंक्शन हुए हैं वो समय पर पूरे हो, लोगों को उनका फ़ायदा मिले, और निश्चित रूप से प्रशासन गांव के संघ अभियान में बिजली की, पानी की, सड़कों की, रेवेन्यू की जो भी समस्या आती है उनका मौके पर ही उसी दिन निस्तारण किए जाने का संबंधित विभाग के अधिकारियों को कहा गया है, वहीं उनका निस्तारण करें, समस्याओं का पेंडेंसी नहीं रखे, उनको वहीं एक दिन पहले अग्रिम दल भेजे, अगर कोई काम बाकी रह जाए दूसरा दिन फॉलोअप कैंप भी वहां लगाए। सवाई माधोपुर जिला माया प्रशासन गांववारा संघ अभियान माया लगाया जा रहा शिविर रोज जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा निरीक्षण कराया और एहलकारा ने
जरूरी दिशा निर्देश देना। इन भगत जिला प्रभारी मंत्री, जिला प्रभारी सचिव गजानंद शर्मा और जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन पात्र लोगों ने प्रमाण पत्र बांटा। जिला प्रभारी मंत्री बोले उपखंड रा मित्रपुरा मलारना डूंगर, उपखंड रा चकबिलोली, सवाईमाधोपुर उपखंड रा लोरवाड़ा और खंडार उपखंड रा बिचपुरी गुजरान माय लागेड़ा शिविरा ने देखा। पंचायतों के पट्टे देने का काम हो, जो भूमिहीन लोग थे, आवासहीन लोग थे, जिनको अब तक पट्टे नहीं दिए उनको भी अभियानों में, चाहे वहाँ पर मुलाना का मामला हो, यहाँ का हो, सबको पट्टे दिए जा रहे हैं। रास्ते के विवाद भी से सुलझाए जा रहे हैं। नामांतरण है, हिस्सेदारी का मामला है, ये सारी चीज़ें यहाँ की, यहाँ बिजली का काम है, रास्तों का अतिक्रमण हटाना है, ये सब हाथों हाथ काम हो रहे हैं। लोगों में काफ़ी इसके प्रति जोश है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। घर घर औषधि योजना के तहत धौलपुर जिला रा वन महकमा री काणीसू दूजा चरण माए हरेक परिवार ने तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा रा पौधा बांटा जा रहा है। जिला वन एहलकार सत्येंद्र गुप्ता बताया कि पहला चरण माए 1,00,000 पौधा बांटा गया, जबकि दूजा चरण माए 8,00,000 पौधा बांट पर लगत राख्यो गयो है। कुल 8,20,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं, इसमें 1,00,000 और 2,000 परिवारों को 8-8 पौधे प्रति परिवार वितरित किए जा रहे हैं। इसमें प्रथम चरण में 1,00,000 पौधे वितरित किए गए हैं। द्वितीय चरण जो 1 अक्टूबर से आरंभ होगा, उसमें 7,20,000 पौधे 90,000 परिवारों को वितरित किए जाएंगे। 2360 किट का वितरण अभी तक हो चुका है और आपके आगे किट तैयार रखी हुई है। जैसे जैसे पंचायतें आ रही हैं, उन्हें हम किट देते जा रहे हैं और हमारा मकसद यही है कि घर घर ये औषधि योजना के किट पहुंचे। बूंदी जिला माए सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने दवा खातर सहकारी उपभोक्ता होलसेल दवा भंडार का चक्कर लगानो पड़ रहा है। जिला कोषाधिकारी कार्यालय सु सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार ने भुगतान नहीं करो जाबारे जालता दवा भंडार माए दवाया री कमी होगी है, जिनरे जालता पेंशनर्स ने दवाया खातर परेशान होनो पड़ रहे है। तब दवा लेने आया था, यहाँ इन्होंने मना कर दिया, डायरी से कोई दवाई नहीं मिलेगी। वहाँ जाता हूँ तो बताते हैं कि जब तो सही होगा, दवाई भी नहीं मिल रही, कार्ड भी नहीं बन रहा। दवाई जो वो कार्ड कणगाई बनवाओ जो मिले कोई ना, और दवाई देखो ना, परेशान हो रहे थे, घड़ी घाटी जाओ जान, घड़ी घाटी जाओ जान। हम गोटला से आए हैं, हम मेरे बीपी की शिकायत है, दवाई नहीं मिली जो हम परेशान हो रहे हैं, वापिस जाओ कर। यहाँ दवा लेने आया था, लेकिन सरकार तो कहती है अक्टूबर में तो चलेगा और ये अक्टूबर में ही इन्होंने बंद कर दिया, दवाई नहीं दे रहे हैं यहाँ काउंटर पे, पेंशन वाले सब परेशान हो रहे हैं, और जबकि सरकार करी अक्टूबर में तो चलेगा। अच्छा, ई मित्र पे बनवाना चाह तो वो RGSS बनता ही नहीं है ई मित्र पे, 4 घंटे तक बैठे रहे कहा गए, ई मित्र वाले भी नहीं बना पा रहे हैं। बूंदी उपभोक्ता होलसेल भंडार द्वारा पेंशनर्स को दवाई उपलब्ध कराने में बहुत समस्याएँ पैदा हो रही हैं, क्योंकि कोष कार्यालय द्वारा बार बार निवेदन करने के पश्चात भी मार्च 2021 से भुगतान नहीं किया गया है। पेमेंट के अभाव में हमें सप्लायर द्वारा दवाइयां उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं, ऐसी स्थिति में वृद्ध पेंशनर्स बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम निवेदन करना चाहते हैं कि कोष कार्यालय जल्दी से जल्दी हमारा पेमेंट मार्च से रिलीज करे। झुंझुनू माए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला और बाल विकास महकमा रिकाणीसू मोटरसाइकिल रैली रो आयोजन करो गयो। रैली ने जिला कलेक्टर उमरदीन खान हरी झंडी दिखा रवाना कराया। रैली शहर रा कई रास्ता सु बहती हुई शहीद स्मारक माते शहीदा ने नमन कर बारे पछे सूचना और जनसंपर्क कार्यालय पूगी, जटे रैली माए भाग ले आला रो सम्मान करो गयो। महिला और बाल विकास महकमा रा उपनिदेशक विपुल बताया के समाज माए व्यापक कुरीतियां ने दूर कर बारा कोशिश करी जा रही है। कि जो बच्ची आम स्कूल में जा नहीं पा रही हैं, घरों से निकल नहीं पा रही हैं, जिनके पेरेंट्स उन्हें लड़कों से कम समझते हैं, उन्हें एक मौका मिले, उससे वो सीखे, उन्हें मोटिवेशन मिले ताकि वो आगे आए, उनके घर वाले आगे आए, हमें देखें कि अच्छा ये बच्चियां कर सकती हैं तो हमारी बच्चियां भी कर सकती हैं। झुंझुनू जिले में आज करीब 150 लड़कियों ने बुलेट और दूसरे जो दोपहिया वाहन हैं उसमें करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करेंगी और जनता को ये संदेश देंगी कि गांधी जी के जो मूल्य हैं उनको अपनाएं,
गांधी जी का जो जीवन है उनको समझें और गांधी जी के जो व्यवहार है उसको अपने जीवन में ढालने की कोशिश करें। जयपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महानगर प्रथम द्वितीय और जयपुर जिला रा वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र रा नवनिर्मित भवन रो आज जयपुर में उद्घाटन करे गयो। उच्चतम न्यायालय रा न्यायाधिपति और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण रा कार्यकारी अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने भवन रो उद्घाटन करे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि उच्चतम न्यायालय रा जस्टिस अजय रस्तोगी, राजस्थान उच्च न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति सैती, रालसा रा चेयरमैन जस्टिस संगीत लोड़ा भी मौजूद हुआ। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर रिकाणीसू 11 अक्टूबर ने आयोजित होबाला 15वां दीक्षांत समारोह रा संबंध में आज प्रेस वार्ता राखी जी। एमएनआईटी रा निदेशक प्रोफेसर उदय कुमार और यारा गट्टी बताया कि दीक्षांत समारोह पहली बार हाइब्रिड मोड पर आयोजित करो जा रहे है। इन माय मुख्य अतिथि भारत सरकार रा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्चुअल रूप से जुड़ेला। वणा बताया कि समारोह माय 2560 डिग्री ऑनलाइन मोड रा माध्यम से प्रदान करी जावेली, साथ ही 75 स्वर्ण पदक भी विद्यार्थियों ने दिया जावेला। 11 अक्टूबर सोमवार को हो रहा है 10 बजे और इसका चीफ गेस्ट है हमारा बिलाउड श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, एंड आवर गेस्ट ऑफ ऑनर विल बी डॉक्टर सतीश रेड्डी, चेयरमैन DRDO, एंड आवर प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल बी आवर ओन बिलाउड चेयरपर्सन डॉक्टर RK त्यागी जी होंगे। इस दीक्षांत समारोह में हम 2507 बच्चों को डिग्री दे रहे हैं, उसमें 2 साल का डिग्रीज हो रहा है और इसमें 137 PhD डिग्रीज भी दे रहे हैं और 75 गोल्ड मेडल्स में 40 गोल्ड मेडल्स हमारा बेटियों को मिला है और 35 बेटों को मिला है बॉयज एंड गर्ल्स के हिसाब से। लंदन माय राखी जारी मैराथन माय भाग ले दौसा निवासी धावक गोवर्धन मीणा घर वापसी लौटिया, जटे बनारो भव्य स्वागत करयो गयो। गोवर्धन लंदन मैराथन माय भारत रो नेतृत्व करया। गरीब परिवार से संबंध राखवा आला गोवर्धन ने समाज रा लोगा रिकाणी सु आर्थिक मदद प्राप्त भी जिनरे बच्चे वे लंदन मैराथन माय भाग लियो। बिल्कुल, मैं भारत देश को और यहाँ की जो भारत की जनसंख्या जितने भी लोग आए हैं उनका आभारी हूँ मैं देश के लिए। और मेरे को सर्व समाज जो वीज़ा दिलाने वाले हैं जो लगे हुए थे, 2 दिन तक मेरा वीज़ा नहीं मिला था और इन लोगों ने सहायता करके कैसे भी करके मेरे को वीज़ा मिला। लेकिन एशिया का जो रिकॉर्ड था उससे भी मैं आगे निकल गया और वो सारे बाहर हो गए, मैं देश के लिए वहाँ फर्स्ट आया एशिया के अंदर और मेरा 17वां नंबर वर्ल्ड में रहा वहाँ का। अरब बारी एक जरूरी संदेश रही। सभी क्षेत्रों में, सभी दिशाओं में हर प्रकार के प्रयासों को बल दिया गया है, नए आयाम दिए गए हैं और सामान्य जनता ने जिन आशा अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ हमें सेवा करने का मौका दिया है उसको पूर्ण करने में एक पल का भी विलंब किए बिना हम पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ आपकी सेवा में मग्न हैं। और संदेश रपचे एक बार फिर सु स्वागत। कश्मीर घाटी माए निशाना बनार करी जा रही हिंदुवारी हत्यारा विरोध माए जयपुर माए आज बजरंग दल कार्यकर्ता व रिकाणी सु विरोध प्रदर्शन करे गयो। अठे कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद विरोधी नारा लगाया और पुतलो फूकिया। महानगर सुरक्षा प्रमुख सुमित खंडेलवाल बताया कि कश्मीर माए हो रही इन हत्यावारे पीछे पाकिस्तान प्रेरित आतंकियारो हाथ है। आज का ये प्रदर्शन बजरंग दल की तरफ से है। बजरंग दल ने आज पूरे हिंदुस्तान में, देश भर में, सभी जगह कश्मीर में जो हिंदुओं के हमारे सिख भाई की हत्या की है उसके विरोध में पूरे देश भर में प्रदर्शन किया है। उसी क्रम में हमने आज बड़ी चौपट पे हमारा विरोध प्रदर्शन रखा है। श्री गंगानगर ACB टीम सूरत गढ़रा लालगढ़िया पंचायत पटवारी सतपाल मेघवाल,
10,000 रुपया री रिश्वत लेता थका गिरफ्तार कर लियो है। कार्रवाई रे दौरान पटवारी ने भागबारी कोशिश कीना पर एसीबी टीम आरोपी रो पीछो कर उनने गिरफ्त माइल ले लियो। सूरतगढ़ तहसील के गांव लालगढ़िया के परिवादी प्रमोद ने ब्यूरो चौकी में शिकायत दी कि उसके पिता और चाचा के नाम से जो कृषि भूमि खरीद की है उसका इंतकाल दर्ज करवाने के लिए पटवारी सतपाल रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर 6 तारीख को सत्यापन करवाया गया और सत्यापन के क्रम में आज उसे रिश्वत 10,000 रुपये लेते हुए मौके से ट्रैप किया गया। पटवारी ने मौके से भागने का प्रयास किया जिसको पीछा करके काबू कर लिया गया। हनुमानगढ़ रा पीलीबंगा रा गांव प्रेमपुरा माए युवक हत्यारे मामला माए पुलिस नामजद 11 आरोपियों के खिलाफ मुकदमो दर्ज कर लियो है। उपाधीक्षक रणवीर मीणा बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजारी मांग ने लेर धरना परा बैठा परिजन ने प्रशासन निकाणी को आश्वासन दिया जाबा पछे परिजन मृतक रो पोस्टमार्टम करवाया जाबा माते राजी वह क्या बटे कया कि 11 आरोपियों में से 3 आरोपियों ने पूछताछ सारू बुलाया गयो है कि एक युवक की हत्या हो गई है जिसमें मौके पर गए सचोर में स्वयं मौके पर गए वहाँ एक जगदीश सुनो बनवारी लाल मेघवाल के कुछ और समाज के लोगों ने मारपीट करके और उसकी हत्या कर दी और उसके घर के आगे पटक के चले गए। उस संदर्भ में 2-3 परिजनों ने अस्पताल में न्याय के लिए धरना प्रदर्शन किया। उनको समझाइश की आज परिजन जो भी वार्ता हुई उसमें समझौता वार्ता में वो सहमत हुए पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों को तहरीर देकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा। और एक बार फिर से जुवा मोटी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटा फ्रेडरिक्सन व बीचे भी हताई दोनों देश स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र में सहयोग खातर भी सहमत। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीट पर होबाला उपचुनाव खातर राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज भाजपा और कांग्रेस पार्टी प्रत्याशिया खातर कर रही है प्रचार। ६८ साल पछे एयर इंडिया फिर भी टाटा समूरी टाटा समूह 18,000 करोड़ रुपया माए जीती बोली 15,300 करोड़ रुपया रो चुकाणो वेलो कर्ज। देश और प्रदेश माए कोविड टीकाकरण अभियान जारी देश माए बार ताई लगाया गया लगभग 94 करोड़ सुबत्ता कोविड रोधी टीका प्रदेश माए भी चलाया जा रहे है खास कोविड टीकाकरण अभियान। और प्रशासन गावार संघ अभियान ने सफल बनावा खातर आयोजित हुई बैठक जनता की समस्या वारा तुरंत समाधान खातर दीना निर्देश। चालू बुलेटिन में यात्रुओं नमस्कार।